उत्तर प्रदेश के हाथरस में एक बार फिर हत्यारों ने निर्दोष का खून बहाया है। बेटी के साथ 2 साल पहले हुई छेड़खानी की घटना पर आरोपियों को जेल तक घसीटने वाले पिता की निर्मम हत्या कर दी गई। आरोपियों ने हत्या को तब अंजाम दिया जब किसान पिता अपने खेत में आलू की खुदाई करवा रहा था। पुलिस के मुताबिक 2.5 साल पहले आरोपियों ने घर में घुसकर मृतक की बेटी के साथ छेड़खानी की थी, जिसकी शिकायत पुलिस से की गई थी। तब से दबंग आरोपी किसान से रंजिश मानते आ रहे थे। घटना में मृतक की बेटी ने 4 नामजद सहित 6 आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। घटना के 24 घंटे के अंदर पुलिस ने मुख्य आरोपी ललित शर्मा को गिरफ्तार भी कर लिया है। इस मामले में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी मामले का संज्ञान लिया है। उन्होंने हत्यारोपियों के खिलाफ रासुका लगाने के निर्देश दिए हैं। गाँव के लोग थे, पहले उसने मेरे साथ छेड़खानी की और हम जाते थे, मेरे पापा ने केस कर दिया और उसने छेड़ के मेरे पापा को गोली मारी, मेरे पापा को गोली मारी। वो पैरा इकोना रहता है अभी, इकोना से यहाँ गाँव आए घूमने के लिए। छह सात लोग थे, मेरे पापा को यहाँ गोली मार दी, यहाँ मार देता, यहाँ आलू की खुदाई चल रही थी, मेरे पापा को कोई मतलब नहीं किसी से, आराम जाना आया उसने मेरे पापा गोली मार दी। क्या नाम है उसने गोली मारी? जिसने गोली मारी उसका नाम पता है आपको? गौरव शर्मा, गौरव शर्मा। आइए अब आपको बताते हैं घटना के बारे में विस्तार से। उत्तर प्रदेश के हाथरस जिले में गांव नौसरपुर के रहने वाले लगभग 52 साल के अमरीश शर्मा अपने खेत पर मजदूरों से आलू की खुदाई करवा रहे थे। दोपहर के समय उनकी पत्नी व बेटी खेत पर खाना देने के लिए आई थी। इसी दौरान आरोपी गौरव अपने साथियों के साथ सफेद रंग की गाड़ी में आया और उन पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाना शुरू कर दिया। गोली लगते ही अमरीश खेत में गिर गए और फायरिंग करने वाले आरोपी मौके से फरार हो गए। अमरीश को जब तक अस्पताल ले आया जाता उनकी मौत हो चुकी थी। डॉक्टरों ने उन्हें अस्पताल में मृत घोषित कर दिया। अमरीश शर्मा की बेटी ने गौरव, रोहतास शर्मा, निखिल शर्मा, ललित शर्मा व 2 अन्य पर हत्या का आरोप लगाया है। बता दें कि 16 जुलाई 2018 को आरोपी गौरव के खिलाफ अमरीश शर्मा ने बेटी के साथ छेड़छाड़ करने का आरोप लगाया था। इस मामले में गौरव को 15 दिन की जेल भी हुई थी। जेल से रिहा होने के बाद गौरव अमरीश पर केस वापस लेने का दबाव बना रहा था, लेकिन अमरीश लगातार केस वापस लेने से मना करते आ रहे थे, जिसके चलते दोनों पक्षों में कई दिनों से रंजिश थी। हाथरस पुलिस अधीक्षक विनीत जायसवाल ने बताया कि खेत में काम कर रहे किसान को कुछ लोगों ने गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया। 2018 में मृतक द्वारा आरोपियों के खिलाफ छेड़छाड़ की धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया गया था, जिसमें आरोपी को जेल भी हुई थी। उसके बाद इस घटना को अंजाम दिया गया। पीड़ित की तहरीर के आधार पर 4 लोगों के खिलाफ संबंधित धाराओं में नामजद FIR दर्ज की गई है। आरोपी ललित शर्मा को तत्काल प्रभाव से गिरफ्तार भी कर लिया गया है। अन्य आरोपियों को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस पूरे प्रयास कर रही है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर कोई सवाल और सुझाव है तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों की अपडेट्स के लिए हमारे चैनल लोकमत हिंदी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर कर लीजिए।